हेलो दोस्तों, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुचिया के पौधे के बारे में, जो गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत पौधा है। जब सारे पौधे मर रहे होते हैं तब ये पौधा हमारे गार्डन में हरियाली फैलाए रखता है। तो ये देखिए, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे पौधे हैं। तो बताएंगे इनकी कैसे केयर कीजिए, कैसे पानी दीजिए, जिससे ये गर्मियों में ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती है। अगर ज़रा सा भी पानी इधर से उधर हुआ तो हमारा पौधा मर जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं ये। अगर आपने मेरी ट्रांसप्लांटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल पे ट्रांसप्लांटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही घना पौधा है। ये देखिए, ये छोटा पौधा है, इसको मैंने बाद में लगाया है और ये पहले के हैं तो ये बड़े बड़े हो गए। तो इस तरीके से मैंने 8 इंच 5 इंच इस टाइप से पॉट में लगाया हुआ है। मिट्टी में मैंने जब भी इसकी मिट्टी तैयार की तो इसमें तुरंत ही गोबर की खाद मिलाई थी। तो जो पत्ते वाले पौधे होते हैं, जैसे कोलियस है या अगेओ वगैरह हैं, जो पत्ते वाले पौधे होते हैं उनके लिए गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है। आप कोई खाद दें या ना दें, गोबर की खाद दे दीजिए, इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, कोचिया का पौधा एक सिंगल टहनी ले करके ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो अगर वो आपका पौधे में इस टाइप से ग्रोथ हो रही है तो आप उसकी ऊपर से पिंचिंग करते रहिए। लगभग ये अपने आप ही इसकी बुश बनती रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पौधा सीधा लंबे ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर फैलता नहीं है। तो पिंचिंग जितनी करेंगे उतना अच्छा पौधा रहेगा। इसके शेप पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको गोल शेप चाहिए है तो इधर उधर की जो शाखाएं बढ़ रही हैं उनको काट छांट करते रहें। और पीछे ये मेरा देसी गुड़हल और ये अगेओ का पौधा है। तो इस टाइम गुड़हल भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर, मेरा तो फेवरेट है देसी गुड़हल, मुझे बहुत पसंद है। कम देखरेख में अच्छे फ्लावर देता है। तो अगली वीडियो हमारी गुड़हल पे आएगी, उसे भी देखिएगा। ये देखिए, बहुत सुंदर कलर आता है इसका, प्योर रेड। तो ये देखिए, और हर टहनी पे बड बनी हुई है, हवाएं चल रही हैं तो पौधा अपने आप से लहलहा रहा है। तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। सुबह का नज़ारा ऐसा होता है कि बहुत ठंडा मौसम होता है, हवाएं चल रही होती हैं तो हमारे पौधों के पास बहुत सुकून मिलता है। ये देखिए, तो कोचिया के पौधे में पानी आप तब दीजिए जब इसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई हो रही हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से मिट्टी ड्राई हो रही, नमी होनी चाहिए। जो गर्मियों के पौधे हैं उसमें नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए पौधों में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, हमारा पौधा उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना होता है। ये देखिए, इस टाइप से हमारे पौधे में हमेशा नमी रहनी चाहिए। खाद आप जब भी पौधा रिपोर्ट कर रहे हों तब देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर मई जून के महीने में हम खाद देंगे तो हमारा पौधा जल सकता है। तो ये देखिए, मिट्टी बहुत ही हल्की बनाइए। जितनी हल्की पोरस मिट्टी होगी उतनी अच्छे से हमारे गमले में पौधा अपनी जड़ फैला पाएगा और मिट्टी का पोषण सोख पाएगा, तो उस पौधे की ग्रोथ भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही हैं, एकदम से पूरा दिन की बहुत तेज़ धूप में रखे हैं पौधे, तो पौधे के जो गमले के नीचे की सतह है उस पर मल्चिंग कर दीजिए। किसी भी पेपर के टुकड़े से या सूखे पत्तों से उसके ऊपर एक लेयर बिछा दीजिए। ये देखिए, गोबर की खाद,
तो इससे क्या होगा, जो धूप की गर्मी होगी वो सीधे हमारी जड़ों को गर्म नहीं कर पाएंगी। ये देखिए, मल्चिंग करने से हमारा पौधा को ठंडक मिलेगी, धूप की सीधी किरणें हमारी मिट्टी पे नहीं जाएंगी, इससे हमारे पौधे को धूप से कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसको ऐसी जगह रखिए पौधे को जहाँ सुबह की कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप मिले, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, फुल सनलाइट में इसको रखिए, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। पानी धूप में बिल्कुल ना दें। कभी कभी क्या होता है, जब अगर हम धूप में पानी देंगे तो ये अपने पत्तों को नीचे की ओर झुका देगा। पानी मिट्टी पे डालेंगे, धूप होगी, पानी गर्म होगा, वो हमारी जड़ों को हीट करेगा। तो ये देखिए, पानी अगर आपको सुबह के टाइम देना है तो कोशिश कीजिए धूप निकलने से 1 घंटा पहले आप उसमें पानी दे दीजिए, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी जितना भी आप दें वो छन के नीचे निकलना चाहिए, मोस्टली गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में पानी कतई नहीं रुकना चाहिए पौधे में। तो ये देखिए, अब पानी सुबह और शाम में दोनों टाइम पानी दीजिए, लेकिन मिट्टी को चेक करने के बाद। अगर आपके पौधे में नमी है, पानी है, तो पानी बिल्कुल ना दीजिए। पौधे को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप इसकी पिंचिंग करते रहिए, ये और घना हो जाएगा, ऊपर की ओर हाइट नहीं बढ़ाएगा। अगर आपको थोड़ा हाइट पे गुलाई चाहिए, इसका शेप गोल चाहिए, तो हाइट हो जाने के बाद तब आप इसकी पिंचिंग कीजिए। तो ये देखिए, जब पौधा आपका छोटा हो तो छोटे पॉट में लगाइए, पौधे के हिसाब से पॉट का चुनाव कीजिए। ये पौधा मेरा बड़ा हो चुका है, इसको मैं बड़े पॉट में अब ट्रांसफ़र करूंगी, कम से कम 12 इंच के गमले में। तो ये देखिए, ये मेरा 6-7 के आसपास का पौधा पॉट है। तो ये देखिए, अब बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय बाय।